नमस्कार मित्रों, हम ऑप्शन भारत की तरफ से आज एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। आज आप देखेंगे कि हम कुछ पहाड़ी पर बैठे हैं और ये पहाड़ी झारखंड राज्य के दुमका जिले के पहाड़पुर गांव में स्थित है। आप देखेंगे यहाँ की जो भौगोलिक परिदृश्य है और जो ऊंची पहाड़ियों पर हम पत्थरों पर बैठे हैं, हमारे बगल में एक पौधा है जिसका नाम है सीताफल। सीताफल का ये पौधा है, अत्यंत गुणकारी है। इसके गुण की वर्णन हम करेंगे अभी आपके सामने में। इसके पहले आप यहाँ के जो भौगोलिक परिदृश्य है, वातावरण है, थोड़ा देख लें। हमारे सामने भी पहाड़ है और हमारे पीछे में भी पहाड़ है, बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। अभी आपको दिखेंगे कि बहुत सारी पहाड़ियाँ, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, उस पर बहुत काफ़ी तरह की जड़ी बूटियाँ हैं और वो जड़ी बूटियाँ बहुत गुणकारी है। उसी गुण को लेकर के हम आज एक नए औषधियों के साथ हम आज आपके सामने हाजिर हैं। तो मित्रों, ये सीताफल है। सीताफल डायबिटीज के लिए बहुत अच्छी दवा है। तो डायबिटीज में क्या करें, जिन भाइयों को डायबिटीज हो गया है, जिन माताओं बहनों को डायबिटीज है, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा जामुन का, जो जामुन का पेड़ होता है उसका छाल निकाल लें, जामुन के तने का छाल ले लें, और थोड़ा सा बरगद के पेड़ का छाल ले लें, तने का। तो दोनों का छाल ले करके, और थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, ये दो पत्तियाँ उसमें से डाल दें। ये दो पत्तियाँ मित्रों, दो पत्तियाँ डाल दें, डाल करके एक गिलास या दो गिलास पानी में कढ़ा बना लें। दो गिलास पानी डालें मिट्टी के बर्तन में, फिर वो उबाल करके एक गिलास बच जाए, एक चौथाई भाग बच जाए, तो वो काढ़े को फिर ठंडा होने दें। ठंडा हो करके वो फिर उसको आप सुबह खाली पेट पूरा पी लें। फिर देखेंगे दो दिन, चार दिन, दस दिन में करने के बाद आपका जो डायबिटीज लेवल है, मधुमेह जो है, शुगर जो है, उसका जो बढ़ा हुआ शुगर है वो कंट्रोल हो जाएगा। एक तो डायबिटीज में बढ़िया काम करता है मित्रों। ये जो बहुत अच्छी कीटनाशक, जैसे गौमूत्र में हम लोग कीटनाशक बनाते हैं, हर्बल कीटनाशक, तो उसमें ये बहुत बढ़िया काम करता है। और इसका एक और उपयोग बता देते हैं। जिन माताओं बहनों को, बच्चों को माथे में जू होता है, जू ढीला जिसको बोलते हैं, ढील बोलते हैं, लीख बोलते हैं, तो ये इसका जो कढ़ा बना करके उस पानी को फिर ठंडा होने के बाद बाल में लगाते हैं, तो बाल में लगाने के बाद जो इसका जू है, जू मर जाता है, ढीला जो है वो मर जाता है। और इसका दूसरा उपयोग कीटनाशक के रूप में भी करते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग कि धतूरा पत्ता, बेल पत्ता, नीम पत्ता, करंज पत्ता, ये सब मिला करके फिर सीताफल का भी पत्ता हम 2 किलो लेते हैं और गौमूत्र में उसको कूट करके डाल देते हैं, डाल करके उबाल देते हैं। उबाल करके जो फिर वो अपशिष्ट जो बचता है, उसको हम एक लीटर को 100 लीटर पानी में डाल करके फसलों पर स्प्रे करते हैं। स्प्रे करने के बाद आप देखते हैं कि उसका जो कीड़ा है फसलों पर, वो कीड़ा मर जाता है। इसका बहुत गुणकारी है, बहुत उपयोग है। तो आज हम आपको एक दो चीज़ें बताएं, मुख्य रूप से शुगर के लिए इसका काम आता है। तो मित्रों, फिर हम अगली वीडियो में आपके साथ हाजिर होंगे। और एक जानकारी मैं दे देता हूं आपको, ऑप्शन भारत में जितने भी वीडियो है, जितने भी दवाइयां का वर्णन है, वो दवाइयां, सारी दवाइयां जो है, ये हम बना करके यहाँ से वीडियो बना करके, और वीडियो ही नहीं बल्कि हम यहाँ पर सारी दवाइयां, जो औषधि होता है उसका निर्माण भी करते हैं। समय समय पर लोगों को लेने की आवश्यकता होता है। मेरा एक प्रश्न है कि जो हमारे जो कर्मचारी हैं, जो हम जिनको हम जड़ी बूटी लाने के लिए भेजते हैं, क्या वो इन्हीं पहाड़ी पर हमारे लिए जड़ी बूटी लेकर आते हैं? जी देखिए, हमारे झारखंड में कई तरह की पहाड़ियाँ, एक उनमें से एक ये छोटी सी पहाड़ी है। यहाँ पर हजारों फीट ऊंची पहाड़ी है। तो पहाड़ों पर हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो कर्मचारी हैं, हमारे जो काम करने वाले सेवादार हैं, सेवा करने वाले जो हमारे साथी संगी हैं, वो क्या करते हैं, दुर्गम पहाड़ी पर चढ़ करके, जहाँ पर हम